سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد पिछले जुमा को एक हदीस का बयान शुरू हुआ था लेकिन मुकम्मल नहीं हो सका। आज उसी की थोड़ी सी मजीद तस्वीर और तफसील अर्ज करना पेश नजर है। हदीस ये थी कि नबी करीम सरवरद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तीन चीजें जिस शख्स में पाई जाएं वो खालिस मुनाफिक है। बाद रिवायतों में अल्फाज ये हैं कि तीन चीजें ये निफाक की अलामत हैं और बाद रिवायतों में अल्फाज ये हैं कि जिसमें ये तीन चीजें पाई जाएं तो वो खालिस मुनाफिक। इसने तक अल्फाज इस्तेमाल किए और वो तीन चीजें ये बयान फरमाई कि इज़ा हद्दस कज़ब व इज़ा वाद अखलस व इज़ा तुमीना खान, यानी जब वो शख्स कोई बात करे तो झूठ बोले और जब वादा करे तो वादे के खिलाफ वर्जी करे और जब उसके पास कोई अमानत रखवाई जाए तो वो उस अमानत में खयानत करे। ये तीन बातें जिस शख्स में पाई जा रही हों फरमाया कि वो खालिस मुनाफिक है, यानी वह अगरचे कलिमा पढ़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और इकरार कर रहा है अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का, इसलिए चाहे उस पर कुफर का फतवा न लगाए लेकिन काम वो कर रहा है जो काफिरों के काम, जो अल्लाह के नाफरमानों के काम, इसलिए उसको फरमाया कि ये खालिस मुनाफिक है, अमलन वो मुनाफिक लगता है। तो तीन चीजें खासतौर पर बयान फरमाई, एक झूठ बोलना, दूसरा वादा खिलाफी करना, तीसरा अमानत में खयानत करना, और इन तीनों को निफाक की अलामत करा दिया। तो इन तीनों चीजों के बारे में थोड़ी सी तशरीह अर्ज करनी है, इसलिए कि इन चीजों को आज की जिंदगी में हमने दीन से खारिज कर दिया। दीन नाम रख लिया बस इबादतों का, नमाज रोजे का, वजीफे तस्बीह का, तहज्जुद और इशराक का, लेकिन मामलात कैसे हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं, उनकी तरफ इल्तिफात। तो पहली चीज जो बयान फरमाई, झूठ बोलना। कौन है इस दुनिया में जो झूठ को अच्छा समझता हो, यहां तक कि काफिर भी गैर मुस्लिम भी झूठ को बुरा ही समझते हैं, कोई अच्छा नहीं समझता। लेकिन उसके बावजूद झूठ हमारी जिंदगी के अंदर इस तरह सरायत कर दिया जैसे कि रगों में खून सरायत कर रहा है। चलते फिरते उठते बैठते जबान से झूठ निकल जाता है, बाद औकात महज मजाक करने की खातिर, बाद औकात किसी फायदे के हासिल करने की खातिर,
बाद अवकात अपने आप को अच्छा करार देने की खातिर जबान से झूठ बात निकाली, ये आम रवाज हो चुका और इतना बढ़ गया कि इसको लोग नाजायज समझते ही नहीं गोया और इसको समझते हैं कि ये हमारी नेकी के ऊपर कोई असर नहीं डालेगा। फिर जो लोग अल्लाह ताला के बंदे कुछ एहतमाम करते हैं, हलाल हराम का, जायज नाजायज का, शरीयत के ऊपर चलने का, उनमें भी ये बात नजर आती है कि झूठ की बहुत सी किस्में ऐसी हैं जिसको झूठ से खारिज समझ रखा है, ये झूठ है ही नहीं गोया, हालांकि झूठ काम कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं और उसको झूठ नहीं समझते, गुनाह नहीं समझते। इसमें दोहरा जुर्म है, एक तो झूठ बोलने का और दूसरे उस गुनाह को गुनाह न समझने। मसलन पिछले जुमा में मैंने मिसाल दी थी कि आजकल आम रवाज हो गया, अच्छे खासे पढ़े लिखे दीनदार कहलाने वाले वो लोगों से सर्टिफिकेट हासिल कर रहे हैं या लोगों को सर्टिफिकेट दे रहे हैं तस्दीक नामा, जिसमें गलत बात दर्ज है। किसी शब्द का आजकल आम रवाज है कि किसी जरूरत के तहत जरूरत पेश आ गई किसी को करेक्टर सर्टिफिकेट जारी करने का, तो किसी के पास पहुंच गया और उससे करेक्टर सर्टिफिकेट जारी करा दिया जिसके अंदर उसने लिख दिया कि मैं इस शख्स को 5 साल से जानता हूं और ये बड़ा अच्छा आदमी है और इसका अखलाक और किरदार सब बहुत अच्छा। किसी के हाथ से ख्याल में भी गुजरता कि ये हम नाजायज काम कर रहे हैं, वो समझते हैं हम पे इस आदमी बेचारे एक जरूरतमंद आया था, उस जरूरतमंद का हमने काम कर दिया, ज्यादा सवाल समझते हैं उसको। हालांकि अगर आप उसके कैरेक्टर के बारे में वाकिफ नहीं है, नहीं जानते, तो आपके लिए वो ऐसा सर्टिफिकेट जारी करना नाजायज है। ये जाए कि यूं समझे कि मैं इसके साथ बयाई कर रहा हूं, सवाब का काम कर रहा हूं, और किसी ऐसे शख्स से सर्टिफिकेट हासिल करना जो नहीं जानता उससे कैरेक्टर सर्टिफिकेट हासिल करना, ये भी गलत, ये भी नाजायज काम है, लेने वाले के लिए भी गुनाह, देने वाले के लिए भी। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के सामने एक शख्स ने एक मरतबा जिक्र किया किसी तीसरे आदमी का और कहा कि हजरत वो तो बड़ा अच्छा आदमी है, की तारीफ की। फारूक आजम रजी अल्लाह ने कहा कि भाई ये तुम जो कह रहे हो कि बहुत अच्छा आदमी है, बड़े अच्छे अखलाक किरदार का आदमी है, तो ये बताओ कि क्या कभी तुम्हारा उसके साथ कोई लेन देन का मामला पेश आया? नहीं हजरत, कोई लेन देन का मामला तो पेश नहीं आया। कहा कि अच्छा तुम्हारा, तुमने कभी उसके साथ सफर किया? सफर में हम सफर रहे उसके? मेरे साहब सफर भी नहीं किया। कहा कि फिर तुम्हें क्या पता कि उसके अखलाक और किरदार कैसे हैं? इसलिए कि असल अखलाक और किरदार का अंदाजा तो उस वक्त होता है जब किसी के साथ लेन देन का मामला पेश आए, उसमें वो इंसान खरा साबित हो तो पता चलता है कि किरदार अच्छा है। या दूसरा रास्ता उसके पता लगने का यह होता है कि सफर करे, तो सफर के अंदर इंसान अच्छी तरह खुलकर सामने आ जाता है, उसके अखलाक, उसका किरदार, उसके हालात, उसके जज्बात, उसके ख्यालात, ये सारी चीजें सफर के अंदर खुलकर सामने आ जाती हैं। लिहाजा अगर सफर किया होता तुमने तो और फिर तुमने उसको अच्छा पाया होता, या कोई लेन देन का मामला किया होता, लेन देन के मामले के अंदर अच्छा पाया होता, तो बेशक तुम कह देते कि हाँ वो बहुत अच्छा आदमी। लेकिन जब इनमें से कुछ नहीं हुआ, इसके माना यह कि तुम जानते नहीं, और जब जानते नहीं तो खामोश रहो, ना बुरा कहो ना अच्छा कहो। अगर कोई पूछे तो इतनी हद तक कह सकते हो जितना तुम्हें मालूम है, तो भाई नमाज तो पढ़ता है मस्जिद के अंदर, मैंने देखा है, बाकी आगे के हालात मुझे मालूम है। कुरान करीम ने फरमाया कि इल्ला मन शहिदा बिल हक वहुम यालमून, कि ये जो तस्दीक नामा होता है, सर्टिफिकेट होता है, याद रखिए ये शरण एक गवाही है, जो सर्टिफिकेट पर दस्तखत कर रहा है वो गवाही दे रहा है, और अगर गवाही दे रहा है तो उसके ऊपर यह आयत साबित आती है। आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि गवाही देना उसी वक्त जायज है जबकि आदमी को किसी बात का इल्म हो, पता हो, यकीन से जानता हो कि ये वाकया यूं है, तब इंसान गवाही दे सकता है, इसके बगैर नहीं दे सकता। तो जब ये जरूरी है, मालूम तो है नहीं,
हालात का, और सर्टिफिकेट आपने जारी कर दिया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट या प्लान सर्टिफिकेट, और बगैर मालूम आप हुए जारी कर दिया, तो ये झूठी गवाही का गुना हुआ। और झूठी गवाही इतनी बुरी चीज है, इतनी बुरी चीज है, इतनी खराब चीज है कि हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अल्लाह के साथ शरीक ठहराने के साथ मिलाकर जिक्र किया। आपने एक मरतबा आप बैठे हुए थे, देख लगाए हुए, तो आपने बताया कि मैं क्या तुम्हें बताऊं कि बड़े बड़े गुनाह कौन से, अकबर कबायर सबसे बड़े गुनाह कौन से। तो साहब ने किया जरूर बताइए, तो आपने फरमाया कि सबसे बड़े गुनाह है अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, सिर्फ दूसरा फरमाया उकूकुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी करना, और तकिया लगाए हुए थे, पीछे टेक लगाए हुए थे, उठकर बैठ गए और फिर फरमाया वह शहादत ज़ूर, और झूठी गवाही दे, और तीन मरतबा इसको दोहराया, वह शहादत ज़ूर, वह शहादत ज़ूर, वह शहादत ज़ूर। तो झूठी गवाही को तीन मरतबा दोहराकर शिर्क के साथ मिलाकर जिक्र फरमाया, एहतमाम। कुरान करीम ने भी शिर्क के साथ इसको मिलाया, वह तनि वो रिज सवाल अवसानी वह तनि वो कौल ज़ूर, कि तुम बुतों की गंदगी, बुत परस्ती की गंदगी से बचो और झूठी बात से बचो, झूठी बात से बचो। तो ये झूठी गवाही कितनी खतरनाक चीज, और झूठी गवाही में वैसे झूठ बोलना तो है गुनाह, लेकिन झूठी गवाही देने में कई गुनाह मिल जाते हैं। एक गुनाह झूठ बोलने का, दूसरा गुनाह दूसरे को गुमराह करने का। यानी आपने जब झूठी गवाही दी तो जिस शख्स के पास वो सर्टिफिकेट गया वो समझेगा कि यह आदमी बड़ा अच्छा है और उससे कोई मामला कर बैठेगा, तो उसको आपने गुमराह किया। उस गुमराह करने के नतीजे में अगर उसने कोई मामला कर लिया, उस मामले के अंदर उसको कोई नुकसान पेश आया, उस नुकसान की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर। अदालत में झूठी गवाही दी, उस झूठी गवाही की बुनियाद पर फैसला हो गया, तो उस फैसले के नतीजे में जो कुछ गुनाह हुआ, जो कुछ उसके उस फैसले के नतीजे में किसी का नुकसान हुआ, वो सब आपकी गलत। तो इसलिए ये झूठी गवाही का गुनाह मामूली गुनाह नहीं, बड़ा सख्त गुनाह है, बड़ा सख्त गुनाह। आजकल तो अल्लाह बताए ऐसा झूठ का बाजार गर्म हुआ कि अगर कोई और कहीं झूठ बोले या ना बोले, अदालत में जाकर जरूर झूठ बोले। यहां तक कहते हुए सुना बाद लोगों को कि मियां सच्ची सच्ची बात कह दो, कोई अदालत में थोड़े खड़े हो, मतलब अदालत के अंदर तो गया, अगर झूठ बोलना है तो वहां जाके बोलना, और यहां आपस में बैठ के सही सही बात बता दो। हालांकि झूठी गवाही अदालत के अंदर जाकर देना इसको अल्लाह ताला शिर्क के बराबर करा, और कई गुनाहों का मजबूत। तो ये जितने सर्टिफिकेट इस तरह के जारी किए जाते हैं बगैर किसी इल्म के, या जानते हुए कि गलत दे रहा हूं, फिर भी किसी की बीमारी का सर्टिफिकेट दे दिया, किसी का पास होने का सर्टिफिकेट दे दिया, ये सब झूठ, झूठ के अंदर दाखिल है, झूठी गवाही के अंदर दाखिल है, हराम। मेरे पास पता नहीं कितने लोग आते हैं मदरसों की तस्दीक कराने के लिए, जैसा मदरसे की तस्दीक कर दीजिए कि ये मदरसा हमारा वो साहिब है और मदरसे के अंदर तालीम होती है, ताकि लोगों आपके इस तस्दीकनामे से लोगों को पता चल जाए कि ये मदरसा इस लायक है, जिसकी इमदाद की है। दिल भी चाहता है बेचारों की मदद करने का, लेकिन अपने वालिद माजिद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जब कभी कोई आता था तो ये उज्र फरमा देते हैं कि भाई ये गवाही है, और जब तक मुझे मदरसे के हालात का इल्म ना हो तो उस वक्त तक मैं ये तस्दीकनामा जारी नहीं कर सकता, ये झूठी गवाही नहीं दे सकता। हाँ, किसी के बारे में पता है कि जितना पता होता है, किताब के ऊपर लोग तकरीर लिखवाने आ जाते हैं, किताब लिखी है इसके ऊपर तकरीर लिख दीजिए कि इसकी ये अच्छी किताब है या सही किताब है। अब जब तक इंसान पढ़े नहीं और उसका पूरा मुतारा ना करे, उस वक्त तक कैसे गवाही दे दे कि ये सही है या गलत है। तो लेकिन लोग समझते हैं चलो भाई इसका दिल बड़ा हो जाएगा, चलो लिखो। हाँ, अगर लिखना हो तो इतना लिखे, मैंने पढ़ी पढ़ाया कुछ नहीं है और तुम्हें लिखे तो फायदा क्या। तो इसलिए इन ये सारी की सारी चीजें ये सब गवाही,
और इन गवाही के अंदर गलत बयानी को लोग आपका गलत बयानी नहीं करते। लोग कहते हैं साहब इतना जरा सा काम लेकर गए थे कि जरा सा एक दो कलम दो लफ्ज हिला देते, एक सर्टिफिकेट लिखते थे तो क्या उनका बिगड़ जाता, और इतने बदअखलाक आदमी है कि ये उसका सर्टिफिकेट भी जारी करने नहीं करते किसी को। तो भाई ये सारा का सारा इन एक एक लफ्ज के बारे में सवाल होगा अल्लाह तआला के बारे में, जो लफ्ज जबान से निकल रहा है, जो कलम से लिखा जा रहा है, सब अल्लाह ताला के रिकॉर्ड हो रहा है, और उसके बारे में सवाल होगा अल्लाह तबारक वाला क्या कि फला लफ्ज तुमने बोला था तो ये किस बुनियाद पर बोला था, जानकर बोला था बेजान मगर जाने हुए सब जगह जारी कर। तो भाई ये जो हमारे माशरे के अंदर वबा फैल गई है, ये इसमें मैंने देखा जैसे मैंने किया कि अच्छे खासे दीनदार पढ़े लिखे नमाजी और बुजुर्गों से ताल्लुक रखने वाले और वज़ाइफ तस्बीह पढ़ने वाले वो भी इस चीज को बताने नाजायज ही नहीं समझते कि ये झूठा सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा तो ये कुछ गुनाह इससे कुरान करीम हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया हद्दस कदल है उसमें ये बातें भी दाखिल हैं, और ये सब दीन का हिस्सा है, इनको दीन से खारिज समझना ये बदतरीन गुमराही, इसलिए इससे इज्तनाब की जरूरत है। हाँ अल्लाह तबारक व तआला ने बाज मौके ऐसे होते हैं कि जहां पर अल्लाह तआला ने झूठ की भी इजाजत दी, लेकिन वो मौका ऐसा है जहां इंसान अपनी जान बचाने के लिए मजबूर हो जाए और कोई रास्ता न रहे जान बचाने या कोई नाकाबिले बर्दाश्त जुल्म पेश आ रहा हो, अगर नहीं झूठ बोलेगा तो ऐसे जुल्म का शिकार होगा जो काबिले बर्दाश्त नहीं है, उस सूरत में शरीयत ने इजाजत दे दी है। उसमें भी यह कहा गया है कि पहले इस बात की कोशिश करो कि सरी झूठ ना बोलना पड़े, बल्कि कोई ऐसा गोल बोल लफ्ज बोल दो जिससे वक्ती मुसीबत टल जाए, जिसको इस्तेलाह में कहते हैं तारीफ दौरिया, ऐसा लफ्ज बोल दिया जिससे जाहिरी तौर पर माना कुछ और समझ में आते हैं, हकीकत में दिल में कुछ और मुराद लिया, ऐसा लफ्ज बोल दो गोल बोल दो ताकि सरी झूठ ना, जैसे हजरत सिद्दीक अकबर ने किया हिजरत के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे और सारे मक्के वालों ने हरकारे दौड़ा रखे पकड़ने के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इनामात तजवीज कर रखे हैं कि जो पकड़ के लाएगा उसको इतना इनाम मिलेगा। तो सारे मक्के के लोग तलाश में सरगर्दा हैं और सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले जा रहे हैं, तो रास्ते में एक आदमी मिल गया सिद्दीक अकबर का जानने वाला, तो जब मुलाकात हुई तो उसने पूछा, वह सिद्दीक अकबर को जानता था हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं जानता था, तो सिद्दीक अकबर से पूछा कि भाई ये तुम्हारे साथ कौन है। अब हजरत सिद्दीक अकबर चाहते थे कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी को पता ना लगे, कहीं ऐसा ना हो कि दुश्मन तक बात पहुंच जाए, और साथ में अगर बता देते हैं तो ये मसला लाजिम आता है, नहीं बताते तो झूठ लाजिम आता है। अल्लाह ताला अपने बंदों की मदद फरमाते हैं। फौरन जवाब में फरमाया हजरत सिद्दीक अकबर ने कि ये मेरे रहनुमा है, मुझे रास्ता दिखाते, मेरे रहनुमा है मुझे रास्ता दिखाते, हादिन यह दीन इस सबील, ये मुझे रास्ता दिखा रहा है, रास्ता दिखाने के लिए रहनुमा मेरे साथ। अब लफ्ज ऐसा बोला कि उस शख्स के दिल में तो यह आया कि जैसे आमतौर से सफर करना कोई आदमी रहनुमा साथ ले लेता है, तो उस किस्म का रहनुमा मेरे साथ जा रहा है, इनके साथ जा रहा है, और दिल में मुराद ये ली कि ये दीन का रास्ता दिखाते हैं, जन्नत का रास्ता दिखाते हैं, अल्लाह का रास्ता दिखाते हैं, ये लफ्ज। तो उस वक्त भी सरी झूठ बोलने से परहेज करना है, बल्कि ऐसा लफ्ज बोला कि जिससे वक्त काम भी निकल गया और झूठ सही भी नहीं। यह है जिनको अल्लाह तबारक व तआला फिक्र इस बात की अदा फरमाते हैं कि जबान से कोई कलेमा खिला से वाकया ना निकले, झूठ ना निकले, अल्लाह तआला उनकी तरफ मदद भी करते। हजरत गंगोही कदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजमान रसीद अहमद साहब गंगोही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आप 1857 की जिहाद आजादी में हजरत ने बड़ा हिस्सा लिया था अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद, हजरत गंगोही, हजरत दानौतवी, हजरत हाजी नादुल्ला साहब, महाजिर मक्की, ये सब हजरात इन्होंने बड़ा
बड़े कारखाए नुमाया अंजाम दिए जिहाद के लिए। बिलाखिर अंग्रेजों ने पकड़ धकड़ शुरू की, जो लोग भी इस जिहाद में शामिल थे उनको पकड़ना शुरू किया, फांसी के तख्ते लटके हुए थे चौराहों पर, जिसे देखा हाथी में वक्त ने कहा ये भी साहेब दार, तो दार को चढ़ा दिया, लटका दिया, चौराहों पर लटके हुए थे फांसी के तख्ते, और महल्ले महल्ले मजिस्ट्रेटों की अदालतें ऐसी मजबूरी किस्म की कायम कर दी थी, जहां जरा किसी के ऊपर शुबा हुआ मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, उसने इसके ऊपर हुक्म जारी कर दिया कि इसको फांसी चढ़ा दो, फांसी को लटका दो। तो हर एक मुकदमा हजरत के खिलाफ भी कायम हो गया मैरिज के अंदर, और मजिस्ट्रेट की यहां बेटी हो गई। अब जनाब जब मजिस्ट्रेट के यहां पहुंचे तो हजरत गंगोई कदम सलाह से उनसे पूछा कि क्यों भाई तुम्हारे पास हथियार है? बंदूक बंदूक ये इतना मिली थी कि इनके पास बंदूक है और थी हजरत के पास बंदूक है। तो उसने पूछा मजिस्ट्रेट ने कि बंदूक का तुम्हारे पास हथियार है? तो हजरत गंगोई कदम सलाह के हाथ में तस्बीह थी, फरमाया हमारा हथियार ये है, हमारा हथियार ये है। यह जुमला इरशाद फरमाया, ये नहीं कहा कि मेरे पास हथियार नहीं है, मेरा हथियार ही। तो वो मुलिया भी ऐसा कि आदमी दरवेश सिफत आदमी मालूम हो, इतने में एक कोई अल्लाह ताला मदद फरमाता है अपने बंदों की, इतने में एक कोई देहाती आ गया, उसने देखा तो कहा कि अरे इसको कहाँ पकड़ रहा है, ये तो हमारे महल्ले का मौजिन है, मौजिन है, उसे उससे आके ये करिए हमारे महल्ले का मौजिन है, इसको कहाँ पकड़ लाएगा। तो इस तरह करके अल्लाह ताला ने खलासी अदा फरमा, झूठ इस वक्त नहीं बोला। हजरत नाराजगी कदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ पुलिस तलाशी के लेती उछल रही थी, छत्ते की मस्जिद में बैठे हुए और पुलिस आ गई, तो अंदर सिर्फ मस्जिद के अंदर हजरत ही थे, हजरत नाराजगी अलैहि वसल्लम। अब हजरत माना हजरत कासिम नाराजगी इतने बड़े आलिम, तो आदमी जब तसव्वुर यह होता है कि कोई बहुत बड़ा आलिम होगा तो कोई जुब्बा खुब्बा कुछ वजा खता कुछ लिबास ऐसा होगा शानदार किस्म का, वहां कुछ था ही नहीं, एक लुंगी पहने रहते थे और ऐसे ही मामूली सा कुर्ता मामूली सी लुंगी और इससे बैठे रहते थे। पुलिस आई देखा तो समझा कि ये मस्जिद का कोई खादिम है, तो पूछा कि भाई माना मोहम्मद कासिम साहब कहाँ है? तो हजरत माना कासिम साहब अपनी जगह से उठ के खड़े हुए और एक कदम आगे बढ़ के कहा कि अभी थोड़ी देर पहले तो यहां थे, अभी थोड़ी देर पहले तो यहां थे। तो उसको तासुर ये दिया कि गोया अब इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन जबान से ये जुमला झूठ नहीं बोला कि नहीं है, लेकिन अभी थोड़े बैठ गई आप, अब वो देखे चले। तो अल्लाह तबारक व तआला के बंदे ऐसे वक्त में भी जबकि जान पर बनी हुई, उस वक्त भी ये ख्याल रहता है कि जबान से कोई गलत लफ्ज ना निकले, झूठ का कलेमा सही झूठ ना निकले, उस वक्त भी कोई गोल मोल बात करके कोई किनाया करके कोई तौरिया करके काम चल जाए, ये बेटा इस तरह काम चला। बाकी यूं जब उससे भी काम ना बने और आदमी की जान पर बन जाए, ना काबिल बर्दाश्त जुल्म का अंदेशा हो, तो उस वक्त में शरीयत ने इजाजत दे दी। लेकिन इस इजाजत को इतनी कसरत के साथ इस्तेमाल करना जैसे कि आज हो रहा है, वही इसकी कारण कार्रवाई करनी है, इसकी हाजत रवाई करनी है, चलो लिख दो एक सर्टिफिकेट, तो ये सब हराम है और झूठी गवाही का गुनाह है। अल्लाह ताला हम सबको इससे हिफाजत फरमाए, शुरू से आदत डाले इस बात की, बच्चों को भी आदत डाले बचपन से कि उनको झूठ बोलने से कि नफरत उनके दिल में पैदा और सच्चाई की मोहब्बत पैदा, बच्चों के सामने कभी कोई गलत बात न करे, वरना बच्चे को महसूस होता है कि ये तो झूठ बोल रहा है, बाप जो झूठ बोल रहा है माँ झूठ बोल रही है, तो उसके जहन से उसकी नफरत मिट जाती है और समझता है कि ये तो रोजाना रोजमर्रा का मामूल है, लिहाजा उसकी नफरत खत्म हो जाए। बचपन से आदत बच्चों को डाली जाए कि जबान से जो बात निकले वो पत्थर की लकीर हो, उसके अंदर कोई गलती ना हो, कोई नफर अमन के खिलाफ बात हो। अल्लाह ताला अपनी रहमत से तौफीक अदा कर, ये सिर्फ देखो नबूवत के बाद सबसे ऊंचा मकाम जो है वो सिद्दीक का मकाम, हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु,
नबूवत के बाद सबसे ऊंचा मकाम सिद्दीक का है। सिद्दीक की जमाना बहुत सच्चा के जिससे जिसके किसी हॉल में कोई खिलाफ वाकया बात का शायबर। एक बात तो याद करें कि इसको लोग झूठ नहीं समझते और हकीकत में ये झूठ है और बहुत बड़ा गुनाह है। दूसरा एक और बात की तरफ तब्दील करनी है कि झूठ जिस तरह जबान से होता है बाद औकात अमल से भी होता है। अमल से भी बाद औकात अमल ऐसा करता है इंसान जो दरअसल का झूठा अमल। हदीस में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुतशब्बिउ बिमा लम युता कलाबिसु थौबै ज़ूर औ कमा क़ाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो शख्स अपने आप को अपने अमल से किसी ऐसी चीज का हामिल करार दे जो उसके अंदर नहीं है तो वो झूठ का लिबास पहनने वाला है। लफ्ज़ी माना ये और मुराद ये है कि कोई शख्स अपने अमल से अपने आप को ऐसा जाहिर करे जैसा वो फिर हकीकत नहीं है तो ये भी गुनाह है। मसलन एक शख्स की नफ्सी कोई बहुत दौलतमंद नहीं है लेकिन अपने आप को अपनी अदाओं से अपने नशस्तो बरकात से अपने तरीके जिंदगी से अपने आप को दौलतमंद जाहिर करे तो ये भी अमली झूठ है। या इससे बरक एक शख्स अच्छा खासा खाता पीता है लेकिन अपने अमल से तकल्लुक करके अपने आप को ऐसा बनाता है कि लोग ये समझे कि इसके पास कुछ नहीं, ये बहुत फकीर है तो देखने वाले के ऊपर तासुर यह कायम होता है कि ये बेचारा मुफलिस है, नादार है, गरीब है, हालांकि अपनी गरीब है। तो इसको भी हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली झूठ करा दिया। तो कोई भी ऐसा काम अमली तौर पर करना जिससे कि किसी शख्स के ऊपर गलत तासुर कायम हो ये भी झूठ मिल जाता है। इसी में एक और बात अर्ज कर दूं उसकी तरफ भी इल्तिफात जरूरी है कि बहुत से लोग अपने नामों के साथ ऐसे अल्फाज लिखते हैं कि जो वाकई के मुताबिक नहीं है। क्योंकि रिवाज चल पड़ा तो बगैर तहकीक के लिखने शुरू कर दिए, अपने नाम के साथ सैयद लिखना शुरू कर दिया। अब हकीकत में सैयद नहीं है, यानी सैयद उसको कहते हैं उर्फ में कि जो नबी करीम सरवर द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद और वो नसब के एतबार से बाप की तरफ से वो औलाद में हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाद लोग होते हैं जो माँ की तरफ से होते हैं और लिखना शुरू कर दिया सैयद, तो ये भी गलत बयान है। जब तक के तहकीक ना हो और तहकीक के अंदर इतनी बात कहती है कि अगर खानदान में ये बात मशहूर चली आती है कि ये सादात के खानदान होते हैं तो लिखने में कोई मुदा नहीं, लेकिन जबकि ये मालूम नहीं है या उसकी कोई दलील मौजूद नहीं है और लिखना शुरू कर दिया तो ये भी इसमें भी झूठ का गुना। बाद लोग प्रोफेसर नहीं है प्रोफेसर लिखना शुरू करते, प्रोफेसर से खास इतला वो उसके बगैर अपने नाम के साथ लिखना शुरू कर दिया। आलिम मौलाना का लफ्ज इस्तेमाल होता है आजकल इस्तिलाह में, मौलाना कलम उस तफसीर इस्तेमाल करते हैं जो दरस निजामी का फारिग उत्तीन हो, आलिम बाकायदा किसी से उसने इल्म हासिल किया हो, तब उसके लिए मौलाना कलम इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से ऐसे लोगों के लिए कि जो इल्म हासिल नहीं किया उसके साथ मौलाना लिखना शुरू करते, ये भी खिलाफ वाक़ है और इसमें भी झूठ का अंदेश। तो ये सारी चीजें मैं अर्ज कर रहा हूं कि इनकी तरफ हम लोगों का ध्यान नहीं रहा और इनको झूठ नहीं समझते और ये नहीं समझते कि इससे गुनाह हो रहा है, तो इनसे परहेज करने की जरूरत है। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको इसकी तौफीक अता करे। दूसरा वक्त जो बयान फरमाया हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो है वइज़ा वअदा अक्लह, जो मुनाफिक का दूसरा काम यह है कि जब वादा करे
तो उसके खिलाफ बनो। मोमिन का काम यह है कि जब वादा कर लिया तो उस वादे को हत्तल इम्कान निभाए, जब तक के बिल्कुल उससे त्याग से खारिज ना हो जाए, कोई बहुत कभी उज्र पेश ना आ जाए, उस वक्त तक उसको निभाने की कोशिश करें। यह है। एक और हदीस में उस वादे के गुलाम बन गए, उस आदमी के गुलाम बन गए कि जब तक वो आप काम नहीं करेंगे उस वक्त तक आपकी गर्दन नहीं छूटेगी। इतना संगीन लफ्ज इस्तेमाल फरमाया, अल वादू अर रिक वादा गुलाम। तो जब तक के शरीयत में कायदा यह है कि अगर कोई वादा किया बाद में कोई शदीद उज्र पेश आ गया, उस वादे को पूरा करने में कोई रुकावट पेश आ गई, शदीद उज्र पेश आ गया, अब वो पूरा करना मुमकिन नहीं रहा उसके लिए, तो उस सूरत में उस आदमी से कह दे कि भाई अब मेरे लिए मुमकिन नहीं रहा है, लिहाजा मैं उस वादे से दस्तबरदार हूं। एक शख्स ने किसी वादा किया था मैं तुम्हें 1,000 रुपये दूंगा फला तारीख, अब उस तारीख के आने से पहले इस आदमी के पास मौजूद नहीं रहे पैसे, और अब इस काबिल नहीं रहा माली एतबार से कि उसकी मदद कर सके, 1,000 रुपये दे सके, उस सूरत में बतला दे कि भाई जो मैंने वादा किया था अब मैं उस पोजीशन में नहीं हूं तो उसको पूरा कर सकता। लेकिन जब तक कुदरत है और कोई शदीद उज्र नहीं है उस वक्त तक उसकी पाबंदी है। ये मंगनी कर ली, किसी से रिश्ता कर लिया, ये एक वादा है, हत्तल इम्कान इसको निभाना चाहिए। लेकिन हां, अगर कोई उज्र पेश आ जाए, बाद में मालूम हो कि भाई इनके दरमियान आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद नहीं रह सकेगा, तबीयतों में फर्क है, मिजाज में फर्क है, कोई हालात ऐसे सामने आए जो पहले मालूम नहीं थे, उस सूरत में बता दें कि भाई ये जो हमने पहले वादा किया था अब खुला उज्र, इसमें उज्र की वजह से हम उसको पूरा नहीं कर सकते। लेकिन जब तक उज्र ना हो उस वक्त तक वादे को निभाना, वादे की पाबंदी करना शरान वाजिब है इंसान के जिम्मे, और अगर नहीं करेगा तो इस हदीस का मिज़ाक बनेगा कि ये निफाक के लिए। हुज़ूर नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ऐसे वादों को निभाया, इस तरह निभाया, अल्लाहु अकबर। हजरत हुज़ैफ़ा इब्न यमान रजी अल्लाह तआला अन्हु मशहूर सहाबी हैं और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राजदार साहब, ये जब मुसलमान हुए ये और उनके वालिद हुज़ैफ़ा और उनके वालिद यमान रजी अल्लाह तआला मुसलमान होने के बाद ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आना चाह रहे थे मदीना तैयबा। जब रास्ते में पहुंचे तो अबू जहल का लश्कर ग़ज़वा बदर के लिए तैयार होकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ने के लिए जा रहा था। अबू जहल अपना लश्कर लेकर 1,000 अफराद का मुश्तमिल लश्कर लेकर निकला हुआ था और जाकर मक्तूता हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करता। रास्ते में उस लश्कर से मुठभेड़ हो गई हजरत हुज़ैफ़ा और हज़रत यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने पकड़ लिया, कहा कहाँ जा रहे हो? इन्होंने अर्ज किया कि हम मदीना तैयबा जा रहे हैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत। तो उन्होंने कहा हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम अगर वहां पर गए तो जाकर तुम हमारे खिलाफ जंग में हिस्सा लोगे, तो इसलिए हम तुम्हें गिरफ्तार रखें। हां अलबत्ता अगर ये, उन्होंने कहा नहीं हम जाएंगे, हम तो हमारा मकसद तो हुज़ूर अहमद सलाम की ज़ियारत है, उनसे मुलाकात है, हम जंग में हिस्सा नहीं लेना चाहते। कहा कि अच्छा वादा करो कि अगर तुम जाओगे तो जाकर सिर्फ मुलाकात करोगे और जंग के अंदर हिस्सा नहीं लोगे। इन्होंने वादा कर लिया और अबू जहल ने छोड़ दिया और ये हुज़ूर अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंच गए। उधर से आदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बदर के लिए अपने सहाबा के इकराम के साथ निकले हुए थे, जाकर ये पहुंचे। अब अंदाजा लगाइए कि इस्लाम का पहला मारका हो रहा है हक को बातिल ग़ज़वा बदर, वो मारका हो रहा है जिसको कुरान करीम ने यौमुल फुरकान फरमाया, हक को बातिल का फैसला कर देने वाला मारका। वो मारका हो रहा है कि जिसमें जो शख्स शामिल हो गया वो बदरी कहलाया। बदरी सहाबा किराम में बहुत ऊंचा मकाम है, बदरी सहाबा किराम का, अस्माए बदरीयीन पढ़े जाते हैं, उनका नाम पढ़ने से अल्लाह तआला तुम्हारा कबूल करवा दे।
ऐसे बदरीगी, और वो बदरीगीन जिनके बारे में अल्लाह ताला ने ये पेशीन गोई फरमा दी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि अल्लाह ताला ने सारे अहले बद्र को जिन्होंने बद्र के जंग में हिस्सा लिया उन सब की मुकम्मल मफ़िरत फरमा दी, यह ऐलान फरमा दिया सरकार द्वारा सर। ऐसा मारका होने वाला। इन्होंने जाकर अर्ज किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाया कि इस तरह हम रास्ते में पकड़े गए थे, अबू जहल ने हमें पकड़ लिया था, ये कहकर बमुश्किल जान छोड़ा के वापस आए और साथ में दरखास्त पेश की कि या रसूलुल्लाह ये बद्र का मारका होने वाला है, इसमें आप तशरीफ ले जा रहे हैं तो हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि हम भी इसमें शरीक हो जाएं। वो तो उन्होंने हमारी गर्दन पर तलवार रखकर हमसे वादा ले लिया कि हम जंग में हिस्सा नहीं लेंगे वरना हमें छोड़ते ना, तो आप हमें इजाजत दे दीजिए कि इस जंग के अंदर हम हिस्सा लें और ये फजीलत हमें हासिल होगी, ये सादत हासिल होगी। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया कि नहीं, तुम वादा करके आए हो, वादा करके आए हो, जबान देकर आए हो और इसी शर्त पर तुमको रहा किया गया है कि जाकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज्यारत करोगे, उनके साथ जंग में हिस्सा नहीं लोगे, इसलिए मैं तुमको जंग में हिस्सा लेने की इजाजत। अब यह है वो मौके जहां इंसान का इम्तिहान होता है कि वो उसकी वो अपनी जबान का कितना पास करता है, अपने वादे का कितना पास करता है। हम जैसा कोई आदमी होता हजार तावीलें कर लेता, तावील कर लेता कि भाई वो तो वादा जो किया था वो कोई सच्चे दिल से थोड़ा ही किया था, वो तो जबरदस्ती लिया गया था वादा, और खुदा जाने क्या तावीलें ध्यान में आती कि चलो ये वादा खिलाफी होगी। और यह भी मसला मैंने बताया कि अगर उज्र के तहत वादे को तोड़ दे आदमी तो जायज है, तो मुझे जैसा मौलवी आदमी ये उज्र कर लेता कि साहब ये तो उज्र है जो हुजूर अंदर सलाम के साथ जिहाद में शामिल होना और कुफर का मुकाबला करना एक एक आदमी की बड़ी कीमत है, 313 अफराद निहत्ते जिनके पास कुल 70 घोड़े 70 ऊंट 2 घोड़े 8 तलवारें बाकी किसी ने लाठियां उठा ली किसी ने पत्थर उठा ली, ऐसे निहत्तों का 313 आदमियों का लक्ष्य जा रहा है 1000 मुसल्लह सुरमाओं का मुकाबला करने का, एक एक आदमी की जान कीमती, एक एक आदमी कीमती। तो मुझे आदमी कह देता कि ये उज्र है इस वास्ते चलो वादा खिलाफी कर लो क्या बात है, लेकिन ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो बात कह दी गई है जो वादा कर लिया गया है उस वादे के खिलाफ वर्ज नहीं, ये जिहाद जो हो रहा है ये कोई मुल्क हासिल करने के लिए नहीं हो रहा, कोई इख्तदार पर कब्जा करने के लिए नहीं हो रहा, ये जिहाद हो रहा है हक की सरबलंदी के और हक को पामाल करके जिहाद किया जाए, हक को पामाल करके गुनाह का इर्तिकाब करके अल्लाह तबारक व तआला के दीन का काम किया जाए, ये नहीं हो रहा। आज हम लोगों की जो सारी कोशिशों में बेकार जा रही है बेअसर हो रही है, तो इस वजह से कि हम चाहते हैं कि गुनाह कर करके इस्लाम की तबलीग करें, गुनाह कर करके इस्लाम को नाफिज करें। हजार तावीलें हर वक्त हमारे दिलो दिमाग के ऊपर मुसल्लत रहती हैं कि साहब ये तावील है इस वक्त, चलो मसलहत का तकाजा है इस शरी हुक्म को नजरअंदाज कर दो, चलो मसलहत इसमें आया तो ये काम कर दो, लेकिन वहां क्योंकि मकसूद दर हकीकत अल्लाह जल्ला जलालहू की रज़ाए कामिला, मकसूद न माल है न फतह है न नुसरत है न बहादुर कहलाना है, मकसूद यह है कि अल्लाह राजी हो जाए और अल्लाह की रजामंदी क्योंकि इसमें है कि जो वादा कर लिया गया उसको निभाओ। तो हुज़ैफ़ा और यमान रज़ी अल्लाह तआला दोनों को महरूम रखा गया ग़ज़वे बदर जैसी फजीलत से इस वास्ते कि ज़मान देकर आए, यह है वादे की हकीकत। तो ये मिसालें कहां मिलेंगे इस दुनिया के अंदर, अगर तलाश करें इंसान किसी जगह नहीं मिल सकती सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के, उन्होंने ये मिसालें कायम की। हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु उन सहाबे किराम में से हैं जिनके बारे में खुदा जाने क्या क्या गलत थलत लोगों ने प्रोपेगेंडे किए, उनकी शान में पता नहीं लोग अल्लाह बताए गुस्ताखियां करते हैं। उनका किस्सा सुन ली, हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक रूम के लोगों से जंग रहती थी और रूम उस जमाने की सुपर पावर समझी जाती थी,
बड़ी आलमी ताकत, उसके साथ बरसरे पैका रहे थे क्योंकि हजमाविया शाम में थे और शाम के इलाके में उनसे हर वक्त लड़ाई ठनी रहती थी। तो एक मौके के ऊपर इन्होंने आपस में जंग बंदी का मुआहदा कर लिया रूमियों से और एक तारीख मुतयन कर ली कि इस तारीख तक हम एक दूसरे से जंग नहीं करेंगे। जब वो जंगबंदी की मुद्दत गुजर रही थी तो उस दौरान हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को यह ख्याल आया कि जंगबंदी की मुद्दत तो बरहक है लेकिन मैं ऐसा करूं कि मैं अपनी फौजें ले जाकर सरहद पर डाल दूं और जिस वक्त जंगबंदी की मुद्दत खत्म होगी तो फौरन हमला कर दूं, क्योंकि वो दुश्मन तो इस ख्याल में होगा कि जब जंगबंदी की मुद्दत गुजरेगी तो उसके बाद लश्कर कहीं चलेगा, यहां तक आने में वक्त लगेगा, तो वो इस ख्याल में होगा कि अभी मुसलमानों का लश्कर फौरन हमलावर नहीं हो सकता, तैयार नहीं होगा मुकाबले के लिए, मैं एकदम से हमला कर दूंगा तो जल्दी फतह हासिल हो जाएगी। तो हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह किया कि सरहद के करीब अपनी फौजें डाली और कुछ हिस्सा सरहद से अंदर भी उनके इलाके में जाकर वहां फौजें डालकर बढ़ गए, तैयार हो गए। और इधर वो जंगबंदी की आखिरी तारीख का सूरज गुरूब हुआ और हज़रत मुआविया ने हुक्म दे दिया लश्कर को जो पेशकदमी करनी शुरू की। चाल बड़ी कामयाब साबित हुई, वो लोग तैयार नहीं थे और हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला का लश्कर फतह पर फतह करता हुआ चला गया। बस्तियों की बस्तियां, जगह की बहुत बड़ा इलाका हजरत मुआविया फतह करते चले जा रहे और इसी फाते होने की आदत में चलते चले जा रहे हैं कि अचानक देखा कि पीछे से एक घोड़ा सवार दौड़ता चला आ रहा है। उफुक पर गुबार नजर आया, देखा एक घोड़ सवार चला आ रहा, पीछे मुड़कर देखा तो ख्याल हुआ कि पता नहीं कोई पैगाम नया लेकर आया अमीर मोमिनीन की तरफ से, ये क्या बात है। तो हज मुआविया रुक गए उसके इंतजार में। जब करीब आया तो आवाज दे लगा रहा था कि किफू इबाद अल्लाह, किफू इबाद अल्लाह, अल्लाह के बंदो ठहरो, अल्लाह के बंदो ठहरो। करीब आ गया तो हज मुआविया ने देखा तो हजरत अम्र इब्ने अबसा रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, मशहूर सहाबी हैं, साबिकीन अव्वलीन में थे। करीब आए, पूछा क्या बात है, तो उन्होंने फरमाया कि वफाउल्ला गद्र, मोमिन का सेवा वफादारी है, गद्दारी नहीं, ऐद शिकनी नहीं। हज़रत मुआविया ने फरमाया कि भाई मैंने तो कोई ऐद शिकनी नहीं की, मैंने तो हमला किया है उस वक्त जबकि जंग बंदी की मुद्दत खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि अगर से जंगबंदी की मुद्दत खत्म हो गई थी लेकिन आपने अपनी फौजें जंगबंदी की मुद्दत के दौरान उस दुश्मन के खिलाफ सरहद पर डाली और सरहद का कुछ हिस्से के अंदर भी ले जाकर डाली तो ये मुआहदे के खिलाफ वर्जी थी। और मैंने इन कानों से सुना है नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए कि मन काना बैनहु व बैना कौमिन अहदुन फला यहुल्लन्नहु वला यसुद्दन्नहु इला अय्यम दिया अजलहु औ यमदा इलैहिम अला सवा। मैंने अपने कानों सुना कि हुजूर ने फरमाया कि जब किसी कौम के साथ कोई मुआहदा हो तो जब तक वो मुआहदा की मुद्दत नहीं गुजर जाती तो उस अहद को न खोले न बांधे, यहां तक कि उसकी मुद्दत गुजर जाए या उनके सामने खुल्लम खुल्ला पहले से कह दे कि अब हमने वो अहद खत्म कर दिया, ऐलान कर दे अहद खत्म कर दिया, बगैर अहद को खत्म किए हुए ऐलान किए हुए और उनके इलाके के तक ले जाकर फौजों को डाल देना, ये हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की वजह से ये जायज नहीं था आपके लिए शरा जो आपने ये इलाका फतह किया। अब आप अंदाजा लगाइए, एक फातेह लश्कर है फतह करता हुआ जा रहा है, कितना इलाका फतह कर चुका, फतेह के नशे में चूर, लेकिन ये इरशाद काम में पड़ गया सरकार द्वारा कि अपने अपना अहद पाबंदी तो मुसलमान से भी मिला दी। उसी वक्त हुक्म दिया सारी फौज को कि जितना इलाका फतह किया है सब वापस कर, पूरा इलाका वापस कर दिया, दोबारा अपनी सड़क के अंदर वापस कर।
ये नजीर पूरी दुनिया की तारीख में कोई कौम पेश नहीं कर सकती कि उसने इस बिना पर मफ्तूहा इलाका फतह किया हुआ इस तरह वापस कर दिया। लेकिन चूंकि पेश नजर कोई जमीन लेना नहीं था, इख्तदार और सल्तनत मकसूद नहीं थी, मकसूद अल्लाह जल्ला जलालू को राजी करना था। और अल्लाह ताला का हुक्म मालूम हो गया कि वादे के खिलाफ वर्जी दुरुस्त नहीं, तो ये वादे के खिलाफ वर्जी का एक छोटा सा शायबा पैदा हो रहा था। इस वास्ते यह है वादा कि जबान से बात निकल गई तो अब उसके खिलाफ वर्जी ना। अल्लाह हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला ने बैतुल मक़दिस पता किया था, सब जानते हैं। तो जब बैतुल मक़दिस पता हुआ तो वहां के जो ईसाई और यहूदी थे उनसे यह वादा हुआ था कि हम आपकी हिफाजत करेंगे जान माल आबरू की, और उसके मुआवजे में उनसे जिजिया लिया जाता था। वो एक किस्म का टैक्स होता है जो गैर मुस्लिमों से वसूल किया जाता है, और उसके मुकाबले में इस्लामी हुकूमत ये वादा करती है कि हम तुम्हारे जान माल आबरू की हिफाजत करेंगे। सुना से वो जिजिया देते थे हर साल, जिजिया भी छोटा मामूली सा होता था लेकिन बहरहाल हर गैर मुस्लिम से वसूल किया जाता। एक मरए का ऐसी जरूरत पेश आई कि बहुत सख्त मारका पेश आ गया किसी दूसरे दुश्मन के साथ, तो बैतुल मक़दिस में जो फौजें मुतय्यन थी हज़रत फारूक आजम को जरूरत पेश आई उन फौजों को वहां से मुंतकिल करके दूसरी जगह भेजने की। किसी ने तजवीज पेश की कि हज़रत फौजों की कमी है तो बैतुल मक़दिस में फौजें बहुत ज्यादा हैं वहां से उठाकर और वो महाज पर भेज दी जाए। तो हज़रत फारूक आजम ने फरमाया कि भाई बात तो ठीक है फौजें वहां से उठाकर भेज, लेकिन एक काम साथ साथ करो कि बैतुल मक़दिस के जितने गैर मुस्लिम लोग हैं ईसाई और यहूदी उन सबको जमा करो, और जमा करके उनसे कहो कि भाई हमने आपकी जान माल की हिफाजत का जिम्मा लिया था और यह अहद किया था कि जान माल की हिफाजत करेंगे, उसके लिए हमने फौज डाली हुई थी, लेकिन अब हमें फौज की जरूरत पेश आ गई है किसी और जगह, तो अब हम इतनी हिफाजत आपकी नहीं कर सकते, लिहाजा इस साल जो जिजिया टैक्स की सूरत में आपने हमें अदा किया है वो हम आपको वापस कर रहे हैं, वो वापस ले लीजिए और उसके बाद हम फौजों को अपनी यहां पर ले जाएंगे ताकि आप अपना इंतजाम खुद करें। ये शर्त लगाई कि ये पहले ये काम करो तब फौजों को मुंतकिल किया जाए, इसलिए कि हम वादा कर चुके हैं जबान दे चुके हैं कि ये फौजें आपकी हिफाजत के लिए यहां पर मुतय्यन रहेंगी, अब उसके खिलाफ हो रहा है तो इस वास्ते उनको बुलाकर बतलाना जरूर। यह है, ये मिसालें हैं, और मैं किसी तरदीद के खौफ के बगैर कह सकता हूं कि दुनिया की कोई कौम ऐसी मिसाल पेश नहीं कि जिसने अपने मुखालिफ मजहब वालों के साथ इस तरह का मामला किया। ये जबान वादा कर लिया तो उस वादे को इंसान पूरी तरह निभाए। तो भाई दूसरी बात जो इस हदीस के अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है वो ये कि वादे के खिलाफ वर्जी वादे को तोड़ना ये एक मुनासिब के निशान, इससे हर मुसलमान को बचना। लेकिन जिस तरह मैंने झूठ के बारे में अर्ज किया कि झूठ की बहुत सी सूरतें ऐसी हैं जिनको हमने आपने बिल्कुल शीर माजर समझ लिया है और उसको झूठ समझते ही नहीं, इसी तरह वादा खिलाफी की भी बात सूरतें ऐसी है कि पिछले पूछो वादा खिलाफी अच्छी चीज है तो जवाब ये कहेगा भाई बहुत बुरी चीज है गुनाह है, लेकिन खुद हमारी जिंदगी में जब मौका आता है तो उस मौके के ऊपर वादा खिलाफी की जा रही है और बहुत सी सूरतों को वादा खिलाफी समझा नहीं जाता। ये वादा खिलाफी बोल मसलन एक बात बस आज करता हूं जिसकी तरफ आम तौर से लोगों को तवज्जो नहीं उसको दीन का मामला समझते ही नहीं। मेरे वालिद माजिद कद्दसल्लाहु तआला तजल्ला तआला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और ऐसी ऐसी बातें बता गए वो फरमाया करते थे कि वादा सिर्फ जबानी ही नहीं होता वादा अमली भी होता है। मसलन जब कोई शख्स किसी मुल्क में रहता है बतौर बाशिंदे के तो उस वक्त में वो अमलन
उस मुल्क की हुकूमत से वादा करता है, वादा करता है। क्या वादा करता है? कि मैं आपके कवानीन की पाबंदी करूंगा, ये वादा करता है। तो अब इस वादे की पाबंदी उसके जिम्मे जायज वाजिब है, जब तक के वो कानून उसको किसी गुनाह पर मजबूर ना करे। क्योंकि अगर कानून ऐसा है जो गुनाह पर मजबूर कर रहा है, फिर तो साफ हुक्म है कि ला ताअत लिल मखलूक फी माफियत अल खालिक, अल्लाह की नाफरमानी में किसी मखलूक की इताअत नहीं। उस कानून की तो पाबंदी किसी तरह न सिर्फ के वाजिब नहीं बल्कि जायज भी नहीं। लेकिन अगर कोई कानून ऐसा है जो आपको मासियत पर मजबूर नहीं कर रहा, तो उस कानून की पाबंदी इस वजह से वाजिब है कि आपने वादा किया है अमलन कि मैं इस मुल्क के कवानीन का पाबंद रहा। और इसके लिए हजरत वाली साहब को मिसाल दिया करते थे, क्या हर मुसलमान जानता है मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के उसमें रहते थे मुल्क में, और जब नबी नहीं बने थे उससे पहले एक किब्ती को कत्ल कर दिया था। मशहूर किस्सा है ना, एक किब्ती को कत्ल कर दिया, मुक्का मारा, मर गया वो। तो उसको कुरान करीम ने भी जिक्र किया इस वाक्य, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस वाक्य पर इस्तग़फ़ार करते थे, कहते लहुम अलैया ज़म्बुन, मेरे ऊपर उनका एक गुनाह है, एक जुर्म किया है मैंने। तो उसको जुर्म करार देते थे, गुनाह करार देते थे, अल्लाह ताला क्या इस्तग़फ़ार करते थे। हालांकि सवाल ये पैदा होता है कि वो किब्ती जिसको कत्ल किया वो तो काफिर था, और काफिर भी हर भी, इसलिए कि उसके साथ कोई वैसे तो मुआहदा था नहीं। तो अगर उस काफिर को हरबी को कत्ल कर दिया तो हालांकि और कोई मुआहदा था नहीं, तो फिर उस सूरत में क्या गुनाह हुआ? तो हजरत वाले फरमाते थे कि ये गुनाह ये हुआ कि जब उनके शहर में उनके मुल्क में रह रहे हैं तो अमलन उनसे वादा कर रखा है इस बात का कि हम आपके कवानीन की पाबंदी करें, और उनका कानून यह था कि किसी को कत्ल करना दुरुस्त नहीं, जायज नहीं। तो अब जो कत्ल हुआ तो वो उस कानून के खिलाफ है, लिहाजा जिस शख्स ने अमलन वादा करता है हर शहरी किसी मुल्क का, हाँ वो मुल्क मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम मुल्क के अंदर रहने वाला भी, वो इस बात का वादा करता है कि मैं इस मुल्क के कवानीन की पाबंदी करूंगा जब तक के उस कानून किसी गुनाह पर मजबूर है। इसी तरह आप वीजा लेकर जाते हैं किसी मुल्क, गैर मुस्लिम मुल्क सही, हिंदुस्तान चले गए, अमेरिका चले गए, यूरोप चले गए वीजा लेकर, तो ये वीजा लेना ये अमलन एक वादा है कि हम हत्तल इम्कान इस मुल्क के कवानीन की पाबंदी करेंगे जब तक के उस वो मुल्क वो कानून किसी गुनाह पर मजबूर ना करे। गुनाह पर मजबूर करेगा फिर किसी कानून की इत्तेबा। तो अब ये मालूम हुआ कि जो कवानीन ऐसे हैं जो इंसान को किसी गुनाह पर मजबूर नहीं करते या नाकाबिले बर्दाश्त जुल्म का सबब नहीं होते, उन कवानीन की पाबंदी भी वादे की पाबंदी में दाखिल है। अब मिसाल के तौर पर ये ट्रैफिक के कवानीन, दाएं चलो बाएं ना चलो, या बाएं चलो दाएं ना चलो, या खुला लाल बत्ती जले तो रुक जाओ और सब्ज बत्ती जले तो चल पड़ो, ये कवानीन। तो एक शहरी होने की हैसियत से वादा किया है इस बात का कि इन कवानीन की पाबंदी करूंगा, तो आप अगर इस कवानीन की पाबंदी ना करें तो ये वादा खिलाफी है, और वादा खिलाफी होने की वजह से गुनाह है। कभी पहले सोचा कि ये गुनाह होता है? ये लोग समझते हैं कि चलो ये तो कानून जो है ये तो ट्रैफिक के कवानीन के खिलाफ वर्जी करनी थी, इसको गुनाह की क्या बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आदमी जो है वो अपने आप को ज्यादा होशियार, ज्यादा बहुत समझ सियाना करार देने के लिए खिलाफ वर्जी भी कर रहा है और समझता है कि कुछ अर्ज। तो याद रखो ये कई हैसियतों से गुना है। एक तो इस हैसियत से जो मैंने अर्ज किया कि वादे की खिलाफवर्जी है,
दूसरे एक हैसियत से कि बहरहाल ये कवानीन इसलिए बनाए गए हैं ताकि नज़्म व ज़ब्त पैदा हो और उससे एक दूसरे के को नुकसान पहुंचाने के रास्ते बंद। अगर आपने ये कानून के खिलाफ वर्जी की और किसी को नुकसान पहुंच गया तो वो जो नुकसान पहुंचा उसकी दुनिया और आखिरत की जिम्मेदारी आपको, तो वो इसलिए आते भी गुना। इसलिए बता रहा हूं ये सब बातें कि ये लोग बालोकात ऐसे इन बातों को ऐसा अचंबा और आंखें फाड़ फाड़ कर सुनते हैं कि ये क्या बात है, ये इसका दिन से क्या ताल्लुक, ट्रैफिक का दिन से क्या ताल्लुक, ये तो दुनियादारी की बातें हैं और ये तो फलां के कवानीन हैं, लिहाजा इसको इसकी पाबंदी क्या दो। खूब समझ लो ये अल्लाह तबारक व तआला का दीन है, ये हमारी जिंदगी के हर शोबे में दाखिल है, हर चीज में दाखिल है। और दीनदारी सिर्फ एक शोबे के हद तक महदूद नहीं है, वो सारी इन तमाम चीजों का नाम दीनदारी। तो ये जो मसला याद रखिए कि जो कानून गुनाह पर मजबूर करे उसकी तो किसी हाल इताअत नहीं, जो कानून नाकाबिले बर्दाश्त जुल्म करे उसकी पाबंदी भी नहीं, लेकिन उसके अलावा जितने कवानीन हैं उसकी पाबंदी शरान भी हमारे आपके जिम्मेवारी है, और अगर नहीं करेंगे तो वादा खिलाफी का गुनाह। यह अलग बात है, यह और जो अगर इस्लामी मुल्क हो, कोई मुसलमान मुल्क हो, अल्लाह ताला ने इताअत का हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाहा वअतीउर्रसूला वउलिल अम्र मिनकुम, उलिल अम्र की इताअत, तो जो जायज और मसलहत के काम है उन उलिल अम्र की इताअत उसमें वाजिब। ये तो ये सारा का सारा मामला ये वादा खिलाफी के अंदर आ जाता है। इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको हम वादा खिलाफी समझते हैं, बहुत सी ऐसी हैं जिनको वादा खिलाफी नहीं समझते मगर हैं वादा खिलाफी और गुना, तो इससे परहेज करने की जरूरत है और इस बात का लिहाज रखने की जरूरत है। दीन पूरी जिंदगी के हर शोबे के अंदर हमारे दाखिल है और इन तमाम चीजों का लिहाज न करना ये दीन के खिलाफ। दो चीजें हो गई, तीसरी चीज है अमानत पर खयानत। इसका भी मामला ऐसा ही है कि उसकी अहमियत उसकी फजीलत वो अलग है, और बेशुमार काम ऐसे हैं कि जिन जो अमानत में खयानत के अंदर दाखिल होते हैं लेकिन हम और आप उनको खयानत नहीं समझते, लेकिन अब वक्त मेरे ख्याल में खत्म हो रहा है, उसका मौका नहीं है बयान करने का, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने जिंदगी अता फरमाई तो अगले जुमा में इसका बयान करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला हम सबको जो बातें हमने की हैं सुनी हैं अल्लाह ताला उन पर अमल करने की तौफीक दे। اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على آل محمد اللهم صل على سيدنا اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الظالمين يا ارحم الراحمين اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ اعلیٰ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے ہمیں دین کے تمام شعبوں پر ٹھیک ٹھیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں پورا کا پورا اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے خیالات کو ہمارے معتقدات کو ہمارے عبادات کو ہمارے معاملات و معاشرت اور اخلاق کو یا اللہ زندگی کے ہر شعبے کو اپنی رضا کے مطابق بنا لیں یا اللہ اپنی رحمت سے اپنی مغفرت کاملہ عطا فرمائیے اپنی رضا کاملہ عطا فرمائیے یا اللہ اپنی رحمت سے جو باتیں ہم نے پڑھی اور سنی ہیں اپنی رحمت سے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ ہر طرح کے گناہوں سے معصیتوں سے منکرات سے ہماری ہمارے گھر والوں متعلقین احباب کی حفاظت فرمائیے یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہم بے ہمت ہیں ہمیں ہمت عطا فرمائیے یا اللہ بے حوصلہ ہیں حوصلہ عطا فرمائیے یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق اور قوت عطا فرمائیے یا اللہ اپنی رحمت سے
ظاہری اور باطنی فتنوں سے ہماری ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ تعالیٰ کے حادثات سانحات سے حفاظت فرمائیے. زمانے کی خراب ہواؤں سے ہماری حفاظت فرمائیے. یا اللہ اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا احمد الراحمین تمام حاضرین و حاضرات کو اس کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائیے. سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. یا اللہ سب کی مشکلات کو آسان فرما دیجیے. یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے اپنی رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا کروا دیجیے. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا رب العالمين.